हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रोचेट इयररिंग्स। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्रोचेट थ्रेड, एंकर का थ्रेड है ये नंबर 8, हुक 0.5 mm, सीजर, फैब्रिक ग्लू, स्टूड, कैप, जंप रिंग, सिंपल नीडल और स्टार्च। चलिए फ्रेंड्स, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेस बनाएंगे, एक रिंग बनाएंगे, रिंग बन गई, चेन वन। इस रिंग में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे। इस तरह इस रिंग में सिक्स सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सिक्स सिंगल क्रोशे बना लिए। इस थ्रेड को खींच के टाइट करेंगे। फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, चेन वन, सेम स्टिच में टू सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट, फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, चेन वन, सेम स्टिच में टू सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट, फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, चेन वन, सेम स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट, फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, चेन वन, सेम स्टिच में टू सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट, फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, चेन वन, सेम स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट, फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, चेन वन, सेम स्टिच में टू सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट, नेक्स्ट फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे। इससे पहले कलर चेंज करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे, थ्रेड को कट करेंगे, चेन वन, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, चेन वन, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, चेन वन,
नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, चेन वन, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। लास्ट चेन वन बना लिए, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे, इस तरह से बेस बना लेना है। नेक्स्ट इसे बनाएंगे, एक रिंग बनाएंगे, रिंग बन गई, चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, इस रिंग में डबल क्रोशे बनाएंगे, थ्री चेन यानी वन डबल क्रोशे, नेक्स्ट वन डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, नेक्स्ट वन डबल क्रोशे, थ्री डबल क्रोशे, इस तरह इस रिंग में 15 डबल क्रोशे बनाएंगे। 15 डबल क्रोशे बना लिए, थ्रेड को खींच के टाइट करेंगे। फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, इससे पहले कलर चेंज करेंगे, थ्रेड को कट करेंगे, चेन वन, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, चेन वन, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, चेन वन, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। लास्ट चेन वन बना लिए, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे, इस तरह से स्मॉल साइज का सर्कल बना लेना है। नेक्स्ट स्टूड लगाने के लिए एक सर्कल बनाएंगे, एक रिंग बनाएंगे, रिंग बन गई, चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, इस रिंग में डबल क्रोशे बनाएंगे, थ्री चेन यानी वन डबल क्रोशे, नेक्स्ट वन डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, नेक्स्ट वन डबल क्रोशे, थ्री डबल क्रोशे, इस तरह इस रिंग में 15 डबल क्रोशे बनाएंगे। 15 डबल क्रोशे बना लिए, थ्रेड को खींच के टाइट करेंगे। फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे, इस तरह से हमें सर्कल बना लेना है। नेक्स्ट लिप बनाएंगे, एक नॉट लगाएंगे, चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, स्किप वन चेन, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे, इस तरह से हमें स्मॉल साइज के लिप बना लेना है। नेक्स्ट फिर से हम लिप बनाएंगे, साथ में टू लिप्स बनाएंगे, एक नॉट लगाएंगे, चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, स्किप वन चेन, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, फिर से हम चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, स्किप वन चेन, नेक्स्ट चेन में
स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में वन हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे। इस तरह से हमें साथ में टू लिप्स बना लेना है। नेक्स्ट फ्लावर बर्ड बनाएंगे, एक रिंग बनाएंगे, रिंग बन गई, चेन बनाएंगे वन टू, इस रिंग में टू डबल क्रोशे बनाएंगे, वन डबल क्रोशे, इस रिंग में डबल क्रोशे बनाएंगे, टू डबल क्रोशे, टू चेन वन टू, स्ट्रिंग में स्लिप स्टिच डालेंगे, फिर से चेन बनाएंगे वन टू, स्ट्रिंग में टू डबल क्रोशे बनाएंगे, वन डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, नेक्स्ट टू चेन वन टू, स्ट्रिंग में स्लिप स्टिच डालेंगे। थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे, थ्रेड को नीचे ले जाएंगे, इसे खींचकर टाइट करेंगे। इस तरह से स्मॉल साइज के फ्लावर बर्ड बना लेना है। नेक्स्ट स्मॉल साइज के फ्लावर बर्ड बनाएंगे, एक नॉट लगाएंगे, चेन बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, स्किप थ्री चेन, फोर्थ चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे, वन डबल क्रोशे, सेम स्टिच में डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, सेम स्टिच में डबल क्रोशे, थ्री डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में फोर डबल क्रोशे बनाएंगे, वन डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, थ्री डबल क्रोशे, फोर डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में फोर डबल क्रोशे बनाएंगे, वन डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, थ्री डबल क्रोशे, फोर डबल क्रोशे। थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे, इस तरह से इसे हमें बना लेना है। नेक्स्ट इसे बनाएंगे, एक नॉट लगाएंगे, चेन बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, स्किप थ्री चेन, नेक्स्ट चेन में फोर डबल क्रोशे बनाएंगे, वन डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, थ्री डबल क्रोशे, फोर डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच में फाइव डबल क्रोशे बनाएंगे, वन डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे,
थ्री डबल क्रोशे, फोर डबल क्रोशे, फाइव डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, नेक्स्ट स्टिच में फाइव डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, इस तरह इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे कंप्लीट। इस तरह से इसे हमें बना लेना है। सेम पैटर्न में इस कलर से भी हम बना लेंगे। नेक्स्ट इस फ्लावर को बनाएंगे, एक नॉट लगाएंगे, चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन। स्किप थ्री चेन, नेक्स्ट चेन में सिक्स डबल क्रोशे बनाएंगे, वन डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, थ्री डबल क्रोशे, फोर डबल क्रोशे, फाइव डबल क्रोशे, सिक्स डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच में सेवन डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, इस तरह से हम फोर पैटर्न्स बनाएंगे। सेम पैटर्न में फोर पैटर्न्स बना लिए। नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, नेक्स्ट स्टिच में फाइव डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच में फाइव डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, इस तरह से फाइव पेटल्स बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे, इस तरह से हमें बना लेना है। नेक्स्ट इसमें बैक साइड में थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को चिपका देंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड है कट कर लेंगे, मिडिल में थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को भी चिपका देंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड है कट कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें स्टार्च अप्लाई करेंगे, इस तरह से इसे शेप देंगे,
इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। नेक्स्ट इसमें बैक साइड में स्टार्च अप्लाई करेंगे। हुक की हेल्प से बैक साइड से इस तरह से प्रेस करेंगे, इसे शेप देंगे, इस तरह से शेप देना है। इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। लिप में बैक साइड में स्टार्च अप्लाई करेंगे। इसे ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। इसमें भी हम बैक साइड में स्टार्च अप्लाई करेंगे। थ्रेड को इस तरह से रोल कर लेंगे। इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। नेक्स्ट इसमें स्टार्च अप्लाई करेंगे। बैक साइड में हमें स्टार्च अप्लाई करना है। इसे ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे इसमें, और इसमें भी हम बैक साइड में स्टार्च अप्लाई करेंगे, इसे ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। इस तरह से हमें स्टार्च अप्लाई करना है। फ्रेंड्स अब ये ड्राई हो चुकी है। इसमें हम बैक साइड में थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को इसके ऊपर चिपका देंगे, इसे रोल करेंगे। थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, इसे इस तरह से चिपका देंगे। नेक्स्ट इसमें भी बैक साइड में बॉर्डर में इस तरह से ग्लू लगाएंगे, इसे रोल करेंगे। यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, इसे इस तरह से चिपका देंगे, इस तरह से इसे रोल कर लेना है। इसमें भी हम ग्लू लगाएंगे, रोल कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें बैक साइड में बॉर्डर में इस तरह से ग्लू लगाएंगे, इधर से 5 पेटल्स है सेम साइज के, इधर से हम इस तरह से रोल करेंगे। यहाँ थोड़ी सी और ग्लू लगाएंगे, इसे हम इस तरह से चिपका देंगे, इस तरह से इसे चिपका लेना है। नेक्स्ट इसमें से हम एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे। इसमें भी एक्स्ट्रा थ्रेड है, कट करेंगे। इन सभी में से हम एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे। फ्रेंड्स लेफ्ट की इयररिंग्स है ये, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लावर चिपकाएंगे। सिंगल लिप लेंगे, इसमें ग्लू लगाएंगे, इसे हम यहाँ इस तरह से चिपका देंगे। नेक्स्ट यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, इसे हम इस तरह से चिपका देंगे। नेक्स्ट यहाँ ग्लू लगाएंगे, इस फ्लावर को हम इस तरह से चिपका देंगे। यहाँ ग्लू लगाएंगे, यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, और एक लिप लेंगे, इसे हम इस तरह से चिपका देंगे। इस फ्लावर को हम इस तरह से चिपका देंगे। नेक्स्ट यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, इस तरह से
इस तरह से बर्ड्स को चिपका देंगे। नेक्स्ट स्मॉल साइज के बर्ड्स लेंगे, इसे भी हम यहाँ इस तरह से चिपका देंगे। नेक्स्ट यहाँ ग्लू लगाएंगे। इसमें थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, इसे हम यहाँ चिपका देंगे। यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, इसे हम फ्लावर के मिडिल में चिपका देंगे। नेक्स्ट यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, इस फ्लावर में थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगा लेंगे और एक बर्ड्स लेंगे, इसे हम इस तरह से चिपका देंगे। इस तरह से इसे हमें चिपका लेना है। नेक्स्ट इसमें बैक साइड में ग्लू लगाएंगे, सारे थ्रेड को इस तरह से चिपका देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड है कट कर लेंगे। इसमें भी बैक साइड में ग्लू लगाएंगे, दोनों थ्रेड को चिपका देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे, मिडिल में ग्लू लगाएंगे, इसमें स्टूड डालेंगे। मिडिल में ग्लू लगाएंगे, बॉर्डर में ग्लू लगाएंगे। नेक्स्ट इसके ऊपर इसे बैक साइड में चिपका देंगे, इस तरह से इसे बना लेंगे। नेक्स्ट टैसल बनाएंगे, इस तरह हैंगर में थ्रेड को रखेंगे, इसे रोल करेंगे 1, 2, 3, 4, इस तरह 30 times थ्रेड को घुमाएंगे। नेक्स्ट थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे। नेक्स्ट थ्रेड और नीडल लेंगे, इसे हम इस तरह से डालेंगे, यहाँ नॉट लगाएंगे। टू नॉट्स लगा लेंगे। नेक्स्ट थ्रेड लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, इसे रोल करेंगे, इस तरह से रोल करना है। ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को कट कर लेंगे, इसे हम इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड है कट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ से इसे कट करेंगे। नेक्स्ट इसे इक्वल करके कट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे, इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। नेक्स्ट कैप लेंगे, इसमें नीडल डालेंगे, से हम यहाँ लिप के नीचे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करना है, से इस तरह थ्रेड को घुमा लेंगे, वापस यहाँ नीडल डालेंगे, इस तरह से बैक साइड में नॉट लगाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को कट करेंगे, थ्रेड को हम इसके ऊपर चिपका देंगे। नेक्स्ट जंप रिंग लेंगे, इसको हम इक्वल करके यहाँ ऊपर में डालेंगे। नेक्स्ट से हम यहाँ डालेंगे, इसको यहाँ से बंद करेंगे। फ्रेंड्स अब ये कंप्लीट है। फ्रेंड्स हमारे दोनों इयर रिंग्स रेडी है, आप भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल इयर रिंग्स है ये।